गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। ना कष्ट ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ साथियों, अगर आपको भी कुछ कर दिखाने का जज्बा है और कुछ करना चाहते हैं तो हमारे साथ आएँ। PVR स्टडी में मैथ की स्पेशल क्लास, जीरो लेवल बेसिक गणित, लाखों अभ्यर्थियों का विश्वास, पूरे भारत देश से आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आज क्लास 8 यानी कि 8th लेवल का हम लोग मैथ पढ़ेंगे, वर्गमूल, भाग विधि से वर्गमूल दूसरी क्लास होगी। पहली क्लास में हमने छोटे छोटे नंबर के वर्गमूल देख लिए थे, आज कुछ हाई नंबर देखेंगे, बड़े बड़े नंबर के वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे ये पहला सवाल आपके सामने लिखा गया है, इसको ज़रा सोचिए क्या होगा, कैसे होगा। उसके बाद एक दूसरा सवाल हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और उसको भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर है 27225, इसका भी क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। देखिए साथियों, एकदम ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आपको ऐसे एक लाइन खींचना है भाग विधि से वर्गमूल में, और एक लाइन ऐसे खींच देना है। जो नंबर लिखे गए हैं इनको बराबर दूरी पर ऐसे लिख लेना है, 4, 4, 8 और 9। फिर पीछे साइड से दो दो नंबर के पेयर बनाने हैं। हाँ, एक बात याद रखना, अभी अगले सवाल में क्या करोगे, इसमें क्या होगा, देखना ध्यान से। मैं एक ही बताऊंगा पहले, लेकिन इसको कुछ कारण से बता रहा हूँ। जब आप इसमें पेयर बनाओगे, इसमें देखिए, तो इसमें एक झंझट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा कि ये तो पेयर बन जाएगा बट ये दो अकेला बच जाएगा ना। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब दो या कोई भी अगर एक अंक होगा तब क्या करेंगे, है ना। दो दो का पेयर तो मैंने बताया था, आपने बना लिया, लेकिन अगर कोई एक अंक बचेगा तो क्या करोगे। तो उसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अकेले पेयर बन जाएगा, यह अकेला भी खुश है, समझ गए ना। चलें आगे, अब इसको हमें करना है, ज़रा ध्यान से देखना है, एक मिनट आँख बंद करके सोचना कि कौन से नंबर का होल स्क्वायर कर दें या कौन से नंबर का वर्ग हम कर दें जो 44 के बराबर आ जाए या 44 के आसपास आ जाए। इसमें वर्ग किया जाता है, बाकी और कोई प्रक्रिया नहीं की जाती है, ध्यान से देखना और क्वालिटी चेंज कर लीजिए अगर कुछ गड़बड़ हो तो। फुल HD दिखेगा, 720 से 1080 पिक्सल तक। और हाँ, अगर हम 5 का वर्ग करें तो जल्दी कमेंट करके बताओ, कुछ लोग तो ऐसे देख रहे हैं मुरझाए हुए। 44 के लगभग लाना है, 749 हो जाएगा ना। अच्छा देखो, 49 44 से ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब गलत है। तो सीधा सा बात है, 6 हो जाएगा। किसका, 6 का वर्ग अगर हम करेंगे तो 36 आएगा। 36 44 से कम है लेकिन उसके आसपास है। लेकिन अगर आप 49 ले आते हो 7 का वर्ग, तो ये 49 एक्सेप्ट नहीं होगा चूँकि ये ज़्यादा हो जाएगा, इससे ये गलत है, समझ गए ना। तो इतना बात समझ में आई। देखिए, 2 मिनट की बात हम आपको 10 मिनट में बताएंगे, लेकिन उस 10 मिनट के बाद आपको कभी दोबारा इन बातों को देखना नहीं पड़ेगा, समझ गए ना। एक बात आपने सुना होगा, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार, ये बहुत पुरानी कहावत है, हमने सुना था। तो यहाँ पर आपको महंगा सस्ता का मतलब यही है कि अगर कम समय दे के आप सीखेंगे तो बार बार इसको हर जगह सीखते रहेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे करके आप यहाँ इसे सीख लेंगे तो फिर आप लाइफ में दोबारा कभी नहीं सीखेंगे, इसको याद हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 6 का वर्ग आया था 36 ना, तो वो 36 इसके नीचे लिखोगे, माइनस यहाँ लगा देंगे, उसके सामने इसके बगल में प्लस लगा देंगे। और अभी मेन बात तो भूल ही जा रहे हो जी, आंसर ऊपर आता है खोपड़ी के ऊपर, 6 बार जाएगा, ठीक। हमने किसका वर्ग किया, 6 का, 6 बार गया, कितना आया 36, इसको पहले घटा लो तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 0, क्लियर। इसको जोड़ लेंगे, एक बात याद रखना, जोड़ते समय इसको ऐसे मत लिखना कतई, गलत है ये, बिल्कुल गलत है सरासर, उसका कारण अभी दिखाऊंगा। जोड़ते समय इसको ऐसा लिखना पुष्पक विमान की तरह कि एक जगह इधर हमेशा बचती जाए, जानते हो पुष्पक विमान के बारे में, एक ऐसा विमान था वो भगवान जी के पास कि उसमें कितने भी लोग बैठ जाओ एक जगह हमेशा खाली रहती थी। तो बस वही हाल यहाँ पर करना कि साइड में थोड़ी जगह बची रहे, वो काहे लिए बचा रहा हूँ अभी दिखाऊंगा। हाँ, ये हो गया इतना क्लियर।
अब जो ऊपर का जोड़ा बचा है उसको उतार लेंगे। अरे जी ऐसे करते नहीं थे, भाग वाला इधर देखो थोड़ा सा, ये 127 में अगर हम भाग देते थे 3 का 3 चौक ये 12 कट जाता था, तो जो ऊपर 7 बचा होता था इसको यहाँ लिख करके और 3 दूना 6 इसे ले जाते थे ना, ले जाते थे ना। तो वैसे तो हुआ यहाँ पर, भले हम मानते हैं कि ये कटा नहीं है 8 आया है, लेकिन वो 12 से तो छोटा हो गया ना, छोटा हो गया ना। ऊपर वाला जोड़ा उतार लोगे 889, क्लियर। अब क्या करोगे? हाँ अब एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान देने वाली, वो क्या है कि आपको 2 अंक इधर लेना है और 2 अंक इधर लेना है। अब ये बताओ 12 का भाग 88 में कितना बार जाएगा, जल्दी से बताइए सोच करके। 12 × 7 = 84 है ना, 12 से बन जाए 84, 7 बार जा सकता है ना। लेकिन हम उसको ट्राई करेंगे क्या सही है 7 बार जाएगा, क्यों? 7 बार जाने का मतलब ये है प्रिय स्टूडेंट्स कि ये ऐसे लिखा जाएगा कुछ, 7 बार जाने का मतलब ये हुआ। तो चलो देखते हैं 127 का 7 में गुणा करके क्या आता है, 7 × 7 = 49 और 7 × 2 = 14, 18, 7 × 7 = 8, 889, गजब बेस्ट ऑफ लक हो गया है ना, बराबर आ गया ना। इसका मतलब ये 7 बार जाएगा और ये 889 आ जाएगा। 0 लिख लो या ना लिखो कोई मतलब नहीं, जोड़ लो 7 × 7 = 14, 2 × 1 = 3, 1, सही है ना। इससे कोई मतलब नहीं, जोड़ो या ना जोड़ो, क्योंकि यहाँ इसका काम हो गया ख़त्म। अब आपका आंसर कितना आ गया, 67। अतः आप कह सकते हो कि √44 89 = 67 आंसर। देखिए 5 से 7 मिनट लग गया होगा, लेकिन अगर आप 1 मिनट सोचिए तो आप इसको कभी भूलोगे नहीं। तरीका होता है अपना अपना, बस आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहें और PBR स्टडी के साथ जुड़े रहें। दूसरे सवाल पे चलिए तुरंत, देखो दूसरा सवाल क्या कहता है। दूसरा सवाल ये कुछ नहीं कह रहा, ये तो बहुत सीधा साधा एकदम भोला भाला है ना। देखना इसको कैसे करेंगे। ये 2 है ना, तो 2 का आप क्या करोगे, मतलब कोई ऐसा नंबर ले लो जिसका वर्ग करने पर 2 के आसपास आए। जैसे हमने एक नंबर ले लिया 2 और 2 का वर्ग किया तो क्या आया, 4 आया। एक नंबर ले लो 3, 3 का वर्ग किया तो 9 आया। लेकिन ये सब तो बिना काम का है, हमें 2 के आसपास लाना है। तो आपने एक छोड़ दिया था वही सर्वप्रिय 1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा ना, 1 आएगा ना, तो ये सही है 1, 2 नहीं होगा। अब क्या करोगे, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, 3 जगह लिखेंगे वही एकदम एक एक, समझ गए ना। भूलना मत कभी लाइफ में, बस क्लास को पूरा देखना। PBR स्टडी की 0 लेवल मैथ हर दिन सुबह 5 बजे से आप देख सकते हो, मंडे टू फ्राइडे बोले या सैटरडे तक लगभग होती है, फ्राइडे तक कंफर्म, सैटरडे को कभी कभी होती है, ठीक। हाँ आगे देखना, लेकिन जो ज्वाइन किए हैं वही हर दिन देख पाते हैं, ये भी याद रखना। आगे देखना, 1 का 1 में मल्टीपल करोगे 1 आएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि वर्ग करेंगे ना, यहाँ 2 मत लिखना। तो अब क्या आएगा, घटा लो इसको, घटा लो तो 1 आ जाएगा। इसको क्या करोगे, इधर जोड़ लेंगे, समझ में आया बात। अब क्या करोगे, ये तो घट गई यहाँ से और ये जुड़ गया, देखते जाना। नहीं आया तो घबराना मत, आएगा, गारंटी हमारी है पूरे 100%, बस आप 2-3 क्लास देखो। तो अब यहाँ से 72 उतार लेंगे। अब आपको ये ट्राई करना है कि 2 का भाग 17 में कितनी बार जाएगा। सभी लोग जानते होंगे, अगर वैसे मैं आपसे पूछूं कि कितना बार ले जाऊं तो आप नहीं बता पाओगे, लेकिन 2 का भाग 17 में बता लोगे ना, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, ज़्यादा हो जाएगा, 2 × 8 = 16, 8 बार ना। चलो मैं 8 बार ट्राई करता हूँ। 8 बार करने का मतलब यहाँ पर 8 लिखिए और यहाँ पर भी 8 लिखिए और इसका गुणा करिए, तब ये सही माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। लेकिन देखो 8 बार करके क्या आता है, यहीं पर लिखूं नहीं पर ना लिखूं, 8 × 2 = 64, हासिल आया 6, 8 × 2 = 16, 4 × 20 = 22, आय माहिर माई तो बहुत बड़ा आ रहा भाई,
कितना बड़ा आ गया, ये तो 172, ये तो 224 हो गया, बहुत बड़ा हो गया ना। गलत है ये, पक्का गलत है। और ये भी एक बात जान लो कि ये इतना ज़्यादा बड़ा है 172 से, कि अगर आप 7 बार भी कर दोगे हमें लगता तब भी ज़्यादा होगा, 6 बार करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर बस केवल गैस करना है, और अगर कैलकुलेशन आपका नहीं आता ना तो जीरो लेवल शुरू से देखेंगे ना तो मैथ में कैलकुलेटर बन जाएंगे आप। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों का फीडबैक बोलता है। ये देखो 6 बार जाएगा तो 6 6 36, हासिल आया कितना, 3 6 2 12, 3 15, 156 आ गया, जो कि इससे मात्र कितना कम है, 16 कम है। अगर 7 बार ले जाते पक्का ज़्यादा हो जाता। अब ये घटा लो, 12 से 6 गया 6, इसमें से एक उधार गया था, जानते हैं ना उधार विधार वाला, जानते हैं कि नहीं। तो ये बना था 6 6 में से 5 गया काया एक, इसको जोड़ लीजिए तो 6 6 12, हासिल 1 और 2 1 3। देखो मैंने बताया था ना, इधर थोड़ी जगह छोड़ के लिखना, इधर चिपकाना मत साइड में वरना गड़बड़ हो जाएगा। हाँ अब क्या होगा, अब जो दूसरा जोड़ा बचा है, अभी देखिए हमने एक जोड़ा का काम तमाम कर दिया, दूसरा जोड़ा का कर दिया, अभी तीसरा जोड़ा बचा है, तो इसको भी ले आओ यहाँ पर लाइन में। अब देखिए यहाँ पर आया 32, अब कितना बार ले जाएं, अगर एक बार ले जाओगे तो 321 आएगा, क्यों, चूंकि यहाँ भी 1 लिखोगे यहाँ भी 1 लिखोगे फिर 321 आएगा। लेकिन जरा सोचिए, 321 1625 से काफ़ी कम है ना, कम है ना। तो आप एक काम ना करो चुपके से, एक अच्छा तरीका बताऊं, किसी को मत बताना, आप 3 का भाग ट्राई कर लो, 16 में कितनी बार जाएगा, 3 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, इतना तो आप लोग जानकार हो, काफ़ी समझदार हो, 5 बार जाएगा ना। तो बस 5 बार लिख दो बिना किसी से पूछे, और 5 25 के 5 हासिल आया कितना, 2, और 5 2 10 2 12 हासिल आवा 1, 5 3 15 1 16, हमसे ना बोला होगा, काम खत्म। आया समझ में कि नहीं आया ना। अब इसको घटा लो या ना घटाओ कोई मतलब नहीं, चूंकि ये कट चुका है, बात खत्म हो गई, इसको जोड़िए या ना जोड़िए कोई मतलब नहीं है, जोड़ देते हैं, काहे कोई नाराज हो। ये लो इतना आया ना, लेकिन एक काम गड़बड़ कर दिया हमने, वो का किया, आप लोग सोच रहे होंगे यार का गड़बड़ कर दिए, गड़बड़ ये हुआ कि पहले तो 1 बार गया था तो ऊपर 1 लिखा था, फिर दोबारा 6 बार गया तो यहाँ 6 नहीं लिखा, आप लोगों ने बताया भी नहीं, फिर 5 बार गया था हमने यहाँ पर 5 भी नहीं लिखा है, क्योंकि उत्तर जो ऊपर आ रहा वही तो है ना, तो फिर सारा मतलब है गड़बड़ हो जाएगा। फिर कितना आया, 165 आया इसका आंसर, यानी कि फाइनल में 165 आया। जिन लोगों को ये शंका सताए जा रही हो कि सही है कि गलत है, सब मार इतना देर से बक के जा रहे हैं, वो लोग क्या करें बताऊं, ये जो आंसर आया ना 67, इसका एक काम करो, इसका आंसर 67 आया था ना, इसका स्क्वायर कर दो होल स्क्वायर, और अगर इसका होल स्क्वायर इसके बराबर आ गया तो सही है, नहीं तो गलत है, करके देख लेना कैलकुलेटर से कर लेना, ये होल स्क्वायर कर देना इसके बराबर आ जाएगा। बिल्कुल मैथ बहुत एक ईमानदार सब्जेक्ट है, मतलब पूरी पारदर्शिता होती है इसमें। अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन लग रहा है ना तो यहाँ पर आपको CBI जांच नहीं करवानी पड़ती है, बिल्कुल आप खुद से ही CBI बन सकते हैं, जांच कर सकते हैं सही है कि गलत है, क्या गपड़ा है इसमें, क्या गड़बड़ है, समझ गए ना। तो ये तो हो गए अभी 2 सवाल, अगला भी देख लेना इसी में लगे हाथ, मिटाएं इसको, याद रखना कि दोबारा इसको ना देखना पड़े, हाँ जी कभी इसको दोबारा से ना देखना पड़े आपको, बस इतना अच्छे से समझना कि दोबारा कभी देखने की ज़रूरत ना पड़े, समझ गए ना, आ जाएगा। आप लोगों में से कौन कौन अभी आप आज पहली बार जुड़ा है, जो पहली बार जुड़े हैं ना ऊपर नंबर दिया गया दिख रहा है ना, नोट कर लेना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ऑन करना, और अभी भाग के मत जाना, अभी मैं और सवाल आपके लिए ला रहा हूँ। सोच रहे होंगे इसको अभी लीपे पोतेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम। अगला सवाल नोट करो जल्दी से, 49 284 क्वेश्चन नंबर, अभी तो एक ठी नहीं मिटा यार, रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा सा रुकिएगा, हमारा काम भी बड़ा गड़बड़ है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन बनेगा ना, देखो इसको इसी में सेटल कर दे रहा हूँ, कोई जानने भी ना पाए, उधर लाइन वैसे रहने दो। 49 284 ये लो हो गया ना,
लग नहीं रहा कि बाद में लिखा गया, लग रहा पहले से था ना। इसका वर्गमूल बताना है, बस वही अपनाना है जो अभी तक आप सीखते आए हो। दो लाइन खींचना सीधी सीधी, अब ये नहीं जरूरी कि हम काली काली खींचे तो आप भी काली खींचना, आप अच्छी खींच लेना गोरी गोरी। अब देखिए 49 284, आप क्या करेंगे, जोड़ी बना दो 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 की। ये कुछ लोग सोच रहे होंगे जब दो दो की जोड़ी बना रहे थी या एक की काहे बना रहे, अब भाई जिसकी जोड़ी नहीं हो अकेला ही काम चलाएगा, बात समझ गए ना, ये अकेले ही रहेगा। अब ऐसे हल करेंगे, क्या करेंगे, कोई एक ऐसा नंबर लीजिए जिसका वर्ग करने पर चार आ जाए या चार के आसपास आ जाए। तो ये तो पूरा विश्वविख्यात है कि दो का वर्ग चार होता है, तो इसमें तो कुछ सोचना विचारना है नहीं, लिख लो फट से दो, यहाँ पर भी दो, दो मतलब टू, और यहाँ पर भी टू, ये हो जाएगा फोर। कुछ लोग जो काफ़ी कन्फ्यूज आ रहे होंगे वो ये देख लें कि ये फोर है, ये भी फोर है और ये भी फोर है, ठीक ना, तो कन्फ्यूज आइएगा मत। ये सब अपनी अपनी लैंग्वेज जो है इंग्लिश में ही है, एक हिंदी वर्ड था इसमें, मतलब लेट क्या बोलते हैं इसे, अंग था। इसको जोड़ लेंगे इधर साइड में, चार हो गया। देखो मेरी आदत बड़ी गड़बड़ है, ऐसे लिख दूँ, नहीं कुछ लोग गाली वाली देने लगेंगे, ये ऐसे लिख देता हूँ, ठीक, मतलब एक जैसा। ये क्या होगा, घट जाएगा, जीरो हो जाएगा, काम ख़त्म। अब दूसरा जोड़ा उतारोगे 92, और जब 92 उतारोगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो भी लिखेंगे अगर एक बार ले जाएंगे तो 41 आएगा, दुई बार ले जाएंगे तो कितना आएगा, चलो दुई बार ले जाते हैं, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी। ये देखो दुई दूना चार और दुई चौका आठ, 84 आया ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे तीन बार काहे नहीं ले गए, हाँ जी तीन बार भी ले जा सकते थे लेकिन कुछ गड़बड़ था, ये 9 आ जाता, 12 129 92 से काफ़ी ज़्यादा हो जाता, और चूंकि ये हमें पहले से घिसा पिटा मालूम है कि ये ज़्यादा हो जाता इसलिए हम नहीं ले गए, ठीक ना, समझ रहे हो ना, तो ध्यान देना ज़रा गौर से समझना। तो ये कहाँ हो जाएगा, कौन है भाई, ये फ़ोन कर रहे हैं मिस्टर, बाद में देखेंगे, इनको जाने दो। घटा लीजिए 12 से 4 गया 8, और ये 8 बचेगा कुछ नहीं, इसको जोड़ लीजिए 4 और ये 4। अब क्या करोगे, अभी एक जोड़ी बचा था। कुछ लोग सोच रहे होंगे बड़ा धीरे धीरे बता रहे हैं यार, ये थोड़ा फास्ट चलें क्या, लेकिन हम फास्ट चलने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये अब दो बार फिर से जाएगा, अब नहीं बताएंगे कैसे गया। दो दूना, इसको जोड़ेंगे जी, यहाँ प्लस लगाना है, यहाँ प्लस, ये दो का दो में गुणा कर लो 4, दो चौक 8, दो चौक 8 यानी कि 884, ये हो गया ख़त्म। मतलब यहाँ जीरो आ गया, तो इसको जोड़ो या ना जोड़ो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक मतलब बहुत बड़ा है, वो क्या है, पहले दो बार ले गए, फिर दो बार ले गए, फिर दो बार ले गए, तीन बार ले गए, तो हम यहाँ 222 तो लिख सकते हैं ना, ये अधिकार है ना, समझ गए ना। अब जिनको कुछ भी कन्फ्यूज आ रहा है कि ये गड़बड़ है, देखिए कन्फ्यूज हो रहा है, शुद्ध बोलते हैं लेकिन कन्फ्यूज आ रहा हम बोलते हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा सा नींद भाग जाए, ठीक। तो ये 222 का स्क्वायर कर लें, वर्ग कर लें, और अगर ये 49 284 नहीं आएगा तो फिर आज से कोई और चैनल देखना, नहीं जी ऐसा मत करना, सॉरी नहीं आएगा ना, अगर तो बताना, नंबर पे संपर्क करना, मानवीय त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हैं, बाकी अपने तन मन धन और दिल से भी मैंने कोशिश किया कि सब सही हो, कहीं कहीं कभी कभी हो जाता है, दिमाग ही है, डिसमिस हो जाता है। आगे चलें नेक्स्ट सवाल, और हाँ इसको लिख लिए ना, मैं थोड़ा सही से खड़ा हो जाता हूँ साइड में, दिख रहा है ना, फ़ोटो भी तो आनी चाहिए ना, आपने देखा होगा नेता लोग आते हैं बहुत साफ साफ भी रहता फिर भी झाड़ू लेके फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, तो वो तो फर्जी खिंचवा लेते हैं, ये तो मैं रियल में खुद ही लगाया हूँ, तो मैं अभी तो खिंचवा सकता हूँ, आ गया ना, चलें नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, अगला सवाल बताते हैं। देखिए आज एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना, एक सवाल बताएंगे ना तो पुराना वाला मिटाएंगे, नया वाला नहीं मिटाएंगे, तब तक आप लोग छापते रहना धीरे धीरे, जो लोग बहुत अच्छे से लिखते हैं ना एकदम मज़े से, उन लोगों के लिए बहुत सुनहरा टाइम होगा आज। लेकिन होता क्या है, जब हम बताते रहते हैं सामने आ जाते हैं ना, तो मनी मन गरियाते रहते हैं, अरे यार कब हटेगा ये सामने से,
है ना, मुझे मालूम है क्योंकि मैंने अनुभव किया है अपने पिछली लाइफ में। अगला सवाल देखना, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है, लेकिन ये सवाल बड़ा गड़बड़ है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और गड़बड़ कैसे है उसको भी देख लेना। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे हम। 21 है और ये है 27, 97 और नीचे है इसमें 33, 64। इसका क्या करना है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो ये देखने में तो बड़ा गड़बड़ लग रहा है यार, इसका इसे वर्गमूल का चिन्ह लगा लो चुपके से। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे ये बड़ा अरझाया हुआ सवाल है, बहुत शांत स्वभाव का सवाल है, ये देखने में जो बहुत ज़्यादा खुखार लगता है ना, वो कभी कभी भोला भी बन जाता है, लेकिन बनाने आना चाहिए बस। चलिए इसको भोला बनाते हैं। कैसे बनाएंगे ज़रा ध्यान देना, इसको भोला बनाने के लिए पहले तो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आता तो हम यहाँ कतई नहीं बताएंगे, क्योंकि ये चल रहा है कक्षा 8 की गणित, और हम पढ़ाएं कक्षा 1 से जोड़ घटाना से। तो आप कक्षा 4-5 वाली पढ़ लीजिए, वहाँ से आपको कैलकुलेशन आने लगेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे आप ऊपर जा रहे हो नीचे से, है ना। चलिए इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे आप, जैसे आज तक सीखते आओ। पहले छोटा सा समझ लो, ये अगर कहीं 3 सही 7/5 दिया होता था बचपन में, तो क्या करते थे, ऐसे 3 का 5 में गुणा किया 15, और 7 जोड़ दिया तो 15 7 15 5 20 2 22/5, यही आता था ना। कुछ लोग अभी कंफ्यूज हैं, देखना 3 का 5 में गुणा किया मतलब 3 गुणा 5, और 7 जोड़ दिया मतलब ये -7 और ये 5। अब तो आया ना, अब क्या करोगे, ये 3 5 15 -7/5 = 22/5। समझ में आई बात ना, दिमाग में बैठ रहा है ना, हजम हो रहा है ना। अब वैसे उसको भी करना, लेकिन हाँ वो उतना आसान नहीं होगा जितना आसान ये हो गया। कुछ दिख उख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी, बस मैं बोले ही जा रहा हूँ इतना देर से, ये हो का रहा है यार, अभी तो मैं गिर जाता वैसे ही। चलिए ठीक है, यहाँ पर कुछ शरारती तत्व तो भी हैं जो कि काफ़ी यहाँ रूम की व्यवस्था डिसमिस कर देते हैं। तो देखिए इसका गुणा करोगे, ये हो जाएगा 21 * 33 = 64, और +27 = 97, नीचे हो जाएगा 33 = 64। अंडर रूट लगाते जाना, अगर नहीं इच्छा है तो मत लगाना, ठीक। इसका गुणा करके उसको जोड़ना है, जब गुणा करोगे तो आएगा 70,644। कितना आएगा, 70,644 +27 = 97, इसमें जोड़ोगे तो फाइनल में क्या आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, ये लो ठीक। ये गुणा किया मैंने, इसमें कहीं कर लेना गुणा, अब यहाँ पे गुणा नहीं बताऊंगा क्योंकि कक्षा 4, 5, 6 सब में बताया हूँ गुणा, ठीक। जब इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा मालूम है, ये 70,000 है, और इसको जोड़ोगे जब लगभग 3,000 के आसपास है ये, तो आएगा आपका फाइनल में 73,441। क्या आएगा, 73,441 / 33 = 64। बस हल कर डालो, अब हो गया काम खत्म। कितना आ गया, जो भी आएगा मैं आपके सामने अब दिखाऊंगा, इधर देखना। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों का वर्गमूल अलग अलग करेंगे जी, दोनों का अलग अलग, और बहुत फास्ट करना चूंकि टाइम बहुत ओवर हो रहा है। 73,441 का एक बार में कर लो, और 33,64 का एक बार में कर लो। तो पहले मैं बड़ा वाला लेता हूँ, 73,441। अरे जी काहे को गड़बड़ कर रहे हो जी, जगह कम है यहाँ पर, ये लो मैंने ऐसे लिख दिया, ऊपर वाला मिटा दूँ का मतलब है, स्याही बड़ी महंगी है, बिना मतलब का चीज़ मिटा देना चाहिए। ये देखो दो दो का जोड़ा बना लिया, अब दो बार जाएगा ना, ये दो बार जाएगा तो ये प्लस और ये 4 और ये घटेगा तो 3 आएगा, ये जुड़ेगा 4 हो गया, यहाँ पे 34 उतार लोगे। कितनी बार जाएगा, 7 बार लगभग जाएगा, देख लो 7 * 7 = 49, हंसी लाया 4, और 7 * 4 = 28, 28 * 4 = 32, है ना, बात समझ में आ रही ना। घटा के देख लो, 14 में से 9 गया 5, ये सब 0 ही रहेगा, 7 * 7 = 14, हंसी लावा 1 और 4 * 1 = 5, क्लियर। अब क्या करोगे, 41 उतार लो यहाँ से, क्या उतारना है, 41,
इसको चार वैसे लिख लो जैसे वहां लिखा है, बस कोई दिक्कत नहीं है। सात बार गया था तो सात लिख लिया ऊपर। अब एक बार जाएगा, ये देखो यहाँ एक बार, फोर एक है जैसे लिखते हैं हर जगह, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब ये देखो हो गया 541। यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि ये जब कट गया तो इसका कितना आ गया, 271। देखो लास्ट में वन आया था, 271 आ गया ना इधर दिख रहा है। मतलब हम लिख सकते हैं 271 और 3364 का भी निकाल लो अलग से, 3364 का अलग से निकाल लो, कहीं भी कर लो बगल में साइड में, ध्यान से देखना 3364 का। कुछ लोग सोच रहे होंगे दोनों अलग अलग काहे कर रहे हैं, हाँ जी इस दोनों बटा में दोनों का वर्गमूल करना है तो आप दोनों अलग अलग कर सकते हो। जिन लोगों ने नहीं लिखा वो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करें 10 सेकेंड और इसको लिख लें जो मैंने अभी लगाया था। हम 3364 का भी करके दिखाएंगे आपको। ये लो, दो दो का जोड़ा बनेगा, 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा ये, तो 5 का वर्ग 25 होगा। बाकी कैसे हुआ पहले बता दिया ना, ये 10 घटाओगे 8 आएगा, 6 4 उतार लो, कितनी बार जाएगा लगभग में, ये 8 बार जाएगा ना, कैसे जाएगा, 10 का भाग 86 में कितनी बार जाएगा, 10 का भाग 86 में 8 बार जाएगा ना, तो बस वैसे ये भी 8 बार जाएगा। हाँ लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर जगह ये सही हो जाए, ट्रिक मिलाना पड़ता है। 8 2 64, 8 1 8, ये हो गया ख़त्म। इसका मतलब इधर का वर्गमूल पक्का, ये आ गया 58। 58 में भाग दे लो आप लोग, अगर आपको करना है तो, मन नहीं कर रहा है तो। चलो भाग करके दिखा देते हैं, सही बटे में आएगा वो कितना आएगा, नोट करके लिख लो, 4 सही 39/58, 4 सही 39/58। बात समझ में आई ना, 4 सही 39/58 कैसे आया और मैंने क्यों लिखा ऐसा। कहते हैं ना कि चूहा का बच्चा चूहे जैसा दिखता है, शेर का बच्चा शेर जैसे दिखता है। तो अगर ये सही बटा में दिया था, इसका वर्गमूल हम ऐसे लिख देते तो थोड़ा कम अच्छा लग रहा था, और ये उसी दशा में लिख दिया अच्छा भी लगने लगा। दूसरी बड़ी विडंबना यहाँ पर ये थी कि यहाँ पर हर छोटा था अंश बड़ा था, और इस तरह का भिन्न लिखना, भिन्न का प्रकार पढ़े हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं कहलाता है, ये गलत माना जाता है गणित के रूल से, इसलिए ऐसा लिखा जाता है, ये सही माना जाता है, समझ गए ना। तो बस इतनी सी थी बात, अगर आप लोगों का कोई सवाल है, कोई कंप्लेन है, कोई शिकवा शिकायत है तो उसे आप हमें निसंकोच बोल सकते हैं। ऊपर आपको सबसे ऊपर नंबर दिख रहा है, और इतना ही नहीं आप विजिट कर सकते हैं pvrstudy.com, वहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएंगे, और pvrstudy.com पर आपको फ्री के कोर्स मिलेंगे, कोई पेमेंट नहीं होगा। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी pvrstudy.com को डिजाइन और मैनेज किया जा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा चार्ज जो है लग रहा है, उसकी हम व्यवस्था में लगे हुए हैं। और दूसरी बात, आप लोगों को बता दें जो सीधी सीधी सी बात है कि अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो कृपया क्लास को ज्वाइन कर लें, जिससे आप डेली देख पाएँ। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बगल में ऐसे एक मुरझाई हुई घंटी तरह दिखेगी, जो लोग बोलते हैं आपने देखा होगा अक्सर चैनल पे, भाई घंटा को बजा दीजिएगा, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ घंटा को बजा दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ बेल आइकन को प्रेस करिएगा। 3 ऑप्शन आएगा, ऊपर एक नोटिफिकेशन रहेगा आल वाला, नीचे रहेगा पर्सनलाइज्ड, उसके नीचे रहेगा नॉन ऑप, नॉन मतलब कुछ नहीं, तो आपको आल पे क्लिक कर देना है। अगर इतना नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा चैनल पे, हाँ कोई सूचना ना मिलेगी। इसको कर दोगे तो आपको लगभग 60% क्लास यूट्यूब पर मिलने लगेंगी। लेकिन कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि 60% का है, 40% कहाँ जाएगा, तो 40% का भी उपाय मैं आपको जल्दी से बता रहा हूँ। उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर का नोट करना होगा, ये नंबर बहुत ही आसान है, आप लोगों के दिल में याद रखने वाला ये नंबर है, मतलब 9793488448, जैसे हम आपको आसान भाषा में गणित के सवाल बताते हैं ना, वैसे आसान भाषा में ये नंबर भी है, 48 फिर 84 और फिर 48, इसको कर लो जल्दी से, हो गया। इस पर आपको क्या करना होगा, मैसेज करना होगा ज्वाइन JLM लिख करके, लेकिन उसके पहले ध्यान देना है कि 549 रुपये का शिक्षा के क्षेत्र में आपको योगदान देना होगा। अगर WhatsApp पे जुड़ेंगे फिर आपको सारी क्लास, सारा डाउट सेशन, सब कुछ आपको WhatsApp पे मिल जाएगा, ठीक है। जो लोग VIP सुविधा लेना चाहते हैं, WhatsApp पर वास्तव में सीखना चाहते हैं, वो लोग ज्वाइन कर लें। जिन लोगों को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, बड़ी कमाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों से माफ़ी चाहते हैं, वो YouTube पर ही देखते रहें, एक भी रुपया नहीं देना है,
प्यार से पढ़ते रहें, लेकिन हाँ क्षमा चाहते हैं हमारे आगे पीछे जो लोग वर्क करते हैं उनको भी हमें कुछ देना पड़ता है, हमारी जिम्मेदारी होती है, इसलिए आप लोगों से थोड़ा सा सहयोग लिया जाता है। ये भी पूरे एक साल के लिए, मतलब पूरा कंप्लीट बेसिक मैथ कक्षा 8 तक कहीं ना मिलेगा हमारे समझ से, यानी कि 8 साल का कोर्स आपको मात्र 500 रुपये में, 8 साल का अगर 100 रुपया महीना के हिसाब से पढ़ाई करोगे तो 1200 रुपये हर साल लगेगा लगभग, और 12 × 8 = 96 कितना लगेगा जोड़ लेना, मुझे ज़्यादा नहीं आ रहा, 9-10 हज़ार रुपया हो जाएगा, यहाँ पर 1000 नहीं देना है, कितना सस्ता है ना। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आप लोगों ने हमें इतना देर तक देखा, अपना इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। अगर अभी तक आपने PVR स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाना, भूलना मत, और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करना, किसी ज़रूरतमंद को मिल जाए, ये कोशिश करना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, बस मिलकर आइए इंडिया को एक नया भारत बनाते हैं। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद जय भारत, फिर से मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी से आना अगली क्लास में, अभी 6 बजे से चलेगी और अगली क्लास फिर 6:30 बजे से, फिर 8 बजे से, बहुत सारी क्लास हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना एक बार।